हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल्स के बारे में। जी हाँ, सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट्स आ चुका है कि इंडिया में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है। Xiaomi, Samsung, इसके अलावा कुछ और फोन्स हैं जिसके डेटा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही बताऊँगा अगर आपको कभी भी डाउट होता है, यानी कि मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछे थे जब मैंने अपना नया फ़ोन लिया था जो एक महीने पहले, तब लोगों ने सवाल पूछा था कि सूर्या भाई हम लोग कौन सा फ़ोन लें, हमें भी लेना है, तो आप कोई फ़ोन सजेशन बताओ। तो आपको खुद एक प्रूफ बताता हूँ, मैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इनमें से बेहतर फ़ोन कौन सा है। तो Xiaomi के ऊपर फिलहाल मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि Xiaomi ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। चाहे Xiaomi का Redmi 5 Plus हो, चाहे Xiaomi का Redmi Note 5 Pro हो, सॉरी Redmi Note 5 हो, या फिर Redmi Note 5 Pro, जो ये फ़ोन्स है जो मेरे पास खुद है Redmi Note 5 हो 15,000 का, ठीक है। तो इसमें दो वर्जन्स आते हैं, एक 15 का और एक 17 का, डिपेंड करता है। ऐसे कई सारे फ़ोन्स हैं Redmi के जो 5 सीरीज़ के फ़ोन हैं उसने बहुत ज़्यादा एक्चुअली मार्केट में धमाल मचा रखा है, और जो चीज़ें जो क्वालिटीज़ या जो फीचर्स इसमें आते हैं 15,000 में, वो बाकी फ़ोन में 20, 22, 25 या 30,000 के ऊपर वाले फ़ोन्स में मिलेंगे आपको, या तो उसमें भी कुछ कुछ कम मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा है फ़ोन। चलिए अब आपको बता देता हूँ कि आखिर स्टोरी आखिर क्या है, खासियत आखिर क्या है। तो IDC का डेटा आया है। अब IDC क्या है आपको बता दूँ, एक ऐसी एजेंसी है जो देखती है कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड ओवर में। तो इंडिया में देखा है इन्होंने कि इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC, इन्होंने अपना रैंकिंग देखा है कि कौन कौन से फ़ोन मार्केट्स इंडिया में धमाल कर रहे हैं। तो उसमें से जो डेटा है वो आपको बता देना चाहता हूँ। Xiaomi ने खुद साफ साफ कहा है कि 365 days में Xiaomi ने पूरे के पूरे मार्केट पे, इंडिया के मार्केट में कब्जा बना के रखा है। नंबर वन पोजीशन पे स्मार्ट ब्रांड हो चुका है इंडिया में। 29.7% का शेयर इस फ़ोन के पास है, और ये चौथे कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है सभी से आगे। आप सोचोगे फोर्थ क्वार्टर ये क्या बोल रहा है, तो एक साल में 4 quarters होते हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक का, उसके बाद मार्च से लेकर जून तक का, फिर जुलाई से लेकर कुछ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का कुछ, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3-3 महीने का 4 quarters होता है। तो ये सेकंड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स कहा जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे गिना जा रहा है 2017 से, वो भी जुलाई महीने से गिना जा रहा है, है ना, तब से लेकर अब तक 2 quarters, 4 quarters हो गए। और इसने जो देखा है इस साल की ग्रोथ में, वी आर ऑल्सो द नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड ऑनलाइन विथ 55% मार्केट शेयर फॉर 7th consecutive quarters, यानी कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ नहीं, मार्केट में जो कैप्चर्स है, जैसे कि 100% अगर ऑनलाइन मार्केट स्पेस है उसमें से 55% सिर्फ Xiaomi का है, और करीबन 7 consecutive quarters, यानी करीबन आप पकड़ लीजिए 7 एक साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कुछ डेटा से आपको बता देता हूँ, नंबर वन ऑनलाइन स्मार्टफोन ब्रांड में सबसे आगे Xiaomi है, यानी कि लोग जो ऑनलाइन बुक कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा Xiaomi फ़ोन ही बुक कर रहे हैं। उसके बाद बात कहीं ना कहीं आती है Huawei की, Samsung की, Lenovo की और OnePlus की, ठीक है। और यहाँ पे एक और डेटा आपको बताना चाहता हूँ, ग्रोथ जो है, देखिए फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ अगर आप देखें, यानी कि इस पिछले एक साल की इससे दूसरे क्वार्टर की ग्रोथ देखें जो अभी तक का अप्रैल से लेकर जून तक का महीना, उसमें 29.7% मार्केट कैप्चर किया Xiaomi ने, 23% मार्केट कैप्चर है सैमसंग का, वीवो का 12.6% मार्केट है, और ओप्पो का इंडिया में 7.6% मार्केट है, और ट्रांजिशन नाम की कंपनी है उसका 5.0% मार्केट है। यानी कि साफ है कि Xiaomi फ़ोन अगर मैंने लिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के ही लिया है, और वो एक ही रीज़न सबसे बड़ा है कि वो मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, और ब्रांड वैल्यू जब आपको स्ट्रांग मिलेगी, आपके पैसे के अगर एक एक रुपया अगर वसूल होंगे तो आप क्यों ना वो फ़ोन लेंगे, राइट। इसलिए मैंने ये फ़ोन लिया मैंने, और मुझे बहुत ही खुशी है। और इसके आगे कुछ और डेटा भी बताना चाहता हूँ जो इसमें दिया गया है, कौन कौन से फ़ोन धमाल मचाए Xiaomi के मार्केट में, Redmi 5A, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5 एंड Redmi 5, ये सब फ़ोन धमाल मचा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो शिपमेंट्स हो रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा फ़ोन मार्केट में जो इंडिया में आ रहे हैं बाहर से ऑनलाइन जो बुक करते हैं, जो शिप से आते हैं, वो ज़्यादातर Xiaomi के आ रहे हैं, उसके अलावा बाकी फ़ोन्स हैं। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड्स में भी Xiaomi ने अच्छे खासे कमाल की है, तो ये एक बहुत अच्छी खासी बात है। सैमसंग जो दूसरे नंबर पर है, उनके कौन कौन फ़ोन ने धमाल किया वो आपको बता देता हूँ। Galaxy J7 है, नेक्स्ट Galaxy J2 है, उसके बाद J2 2018 में जो लॉन्च हुआ था, ये तीन फ़ोन धमाल मचा रहे हैं, वो भी वीवो ओप्पो नीचे हो चुके हैं चौथे नंबर पर देख सकते हैं, थर्ड पर है वीवो और फोर्थ पर है ओप्पो, और साथ साथ पाँचवें पर आपको मैंने बताया ट्रांजिशन नाम का एक फ़ोन है, वीवो के Y7
V9 और Y83 फ़ोन बहुत सारा धमाल कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि हुआई एंड हॉनर ब्रांड इन इंडिया, हुआई भी अच्छा खासा ब्रांड है और इंडिया में उतना अभी जमा नहीं, लेकिन हॉलीवुड में बहुत अच्छा धमाल कर रहा है ये फ़ोन। एनीवेज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे हो और आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है मार्केट में और कौन सा नहीं, और अपनी जो भी आपको लगे सही वही फ़ोन लीजिए। मैं ये वीडियो बनाने से यही मकसद था, आपको क्लियर बता सकूँ कि मार्केट में किसका डोमिनेंस है और कौन से मार्केट पे आपको जो पैसे का जो रियल वैल्यू है बराबर मिल रहा है। तो उसी तरह के फ़ोन पे अगर आप जाएंगे तो आपको उससे नुकसान नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। उम्मीद करते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर भी इसी तरह Xiaomi के लिए बेहतर है और अच्छे अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन लाते हैं, ताकि जो मार्केट में जो लोग हैं जो एक कम बजट में एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं उनके लिए ये एक मुनाफे का सौदा साबित हो। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।